एक प्राइवेट डिटेक्टिव को छोटा सा काम करने के लिए भेजा जाता है, तभी वहाँ उसे डेड बॉडी मिलती है। इस मर्डर के पीछे कौन था, इसकी मिस्ट्री और सस्पेंस ये आज की हमारी मूवी ट्वाइलाइट, जो 1998 की हॉलीवुड मूवी है, इसमें हमें पता चलेगा। जिस तरह से इस मूवी में स्टोरी स्लोली स्लोली अनफोल्ड होती है, इससे मूवी का मजा आता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, तो चैनल को बहुत ही सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है हैरी, वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। वो एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड पर नजर रख रहा था। उसने किसी को कॉल लगाया और कहा कि मैंने उसे ढूंढ लिया है। जब ये लड़की उसके बॉयफ्रेंड के साथ बीच पर गई तो उसी टाइम में उसके सब कपड़े वगैरह वो पैक कर देता है। लड़की का नाम है मेल। मेल अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रूम में आई, उसे पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। बॉयफ्रेंड कहता है ऑफकोर्स मैं करता हूँ, अगर नहीं करता तो यहाँ नहीं होता। अचानक से पीछे उसे हैरी दिखता है। हैरी फिर उसे जबरदस्ती यहाँ से लेकर जा रहा था। मेल का बॉयफ्रेंड जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हैरी कहता है ये एक माइनर है, उसकी मर्जी के खिलाफ तुम उसे लेकर आए थे, ये हम कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। हैरी के पास गन भी है तो जेफ उससे लड़ नहीं सकता। मेल बैग लेती है और हैरी के सर पर मारती है। उसके हाथ से गन नीचे गिर गई तो मेल ने उठा ली। एक्सीडेंटली उससे एक गन चल गई जो हैरी की नी पर लगती है। इसके बाद मूवी में 2 साल बीत चुके हैं। हैरी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबको स्टोरी बता रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ रहता है। फ्रेंड का नाम है जैक और जैक की वाइफ का नाम है कैथरीन। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जैक और कैथरीन ये दोनों हॉलीवुड के एक्टर्स थे। हैरी कैथरीन के साथ हैंग आउट कर रहा था तो जैक उसे अपने साथ कार्ड्स प्ले करने के लिए बुला लेता है। कैथरीन जैक पर बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि जैक अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल नहीं रखता। उसने बहुत सारे पैसों की भी गड़बड़ कर दी थी। जैक और हैरी जब प्ले कर रहे थे तो जैक उसे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, एक पैकेज है जो उसे ग्लोरिया नाम की लेडी को देकर आना है। इसका एड्रेस भी उसने उसे दे दिया। यहाँ पर जैक कहता है मेरा कैंसर वापस आ चुका है। ये सुनकर हैरी को बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पर इसी घर में हम मेल को भी देख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मेल जैक और कैथरीन की बेटी थी। हैरी ने मेल को फिर से घर लाने में हेल्प की, इसलिए जैक उसे अपने घर में रहने देता है। अब 2 साल हो चुके हैं तो हैरी ने अपना डिटेक्टिव लाइसेंस भी रिन्यू नहीं किया था। अब वो एक डिटेक्टिव काम नहीं करता, पर सिर्फ जैक के लिए वो काम कर रहा था। जब वो यहाँ से निकल रहा है तो कैथरीन उसके पास आई। उसे कहती है कि अगर जैक कोई भी ट्रबल में हो तो तुम मुझे बताओगे, क्या उसे प्रोटेक्ट करोगे। हैरी कहता है ऑफकोर्स मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। वो पूछती है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। हैरी सिर्फ इस पर हंस देता है, पर ऑब्वियसली उसे प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि वो कैथरीन को लाइक करता है। अब जहां पर जैक ने हैरी को जाने के लिए कहा था, हैरी वहां पर पहुंच गया। वहां पर एक आदमी खड़ा था, जो मुड़ा तो उसे एक बुलेट लगी हुई थी। उस आदमी के हाथ में गन थी और हैरी को शूट करने की वो कोशिश करता है। हैरी जल्दी से भागता है, कवर लेता है, उस वजह से वो बच जाता है। थोड़ी देर में उस आदमी की डेथ हो गई। हैरी ने उसके पास जाकर उसके पॉकेट्स वगैरह चेक किए तो उसे पता चला कि आदमी एक पुलिस ऑफिसर था। इस पुलिस ऑफिसर की आईडी पर उसका जो ऑफिशियल एड्रेस है, वहां पर फिर हैरी पहुंचता है। वो एक छोटे से घर में बहुत ही मेस में रहा करता था। रिटायर हो जाने के बाद भी वो पुलिस ऑफिसर एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। हैरी जब इस फाइल्स को देखता है तो उसमें कैथरीन की न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, जैक की न्यूज़पेपर की कटिंग्स है। इस न्यूज कटिंग से हमें पता चलता है कैथरीन का एक हस्बैंड हुआ करता था, उसने सुसाइड कर ली और उसके बाद जैक और कैथरीन ने शादी की थी। पुलिस को यह भी शक था कि कैथरीन ने ही अपने हस्बैंड को मारा। ऑफिसर की डेथ हो चुकी है और उसके घर में अगर कैथरीन और जेम्स की न्यूज़पेपर कटिंग्स मिली तो उन्हें भारी पड़ सकता है, तो हैरी इसी वजह से इस कटिंग्स को जला देता है। वो घर में ही था तभी अचानक से वहां पुलिस पहुंच गए। पुलिस के साथ जो डिटेक्टिव थी उसका नाम था वेरना। वेरना हैरी को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानती है क्योंकि पहले वो उसकी पार्टनर हुआ करती थी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए हैरी को पुलिस स्टेशन में लेकर आए। यहाँ पर वेरना का बॉस हैरी को क्वेश्चन करते हुए उसे सिंपथी दिखा रहा था। हैरी को पता नहीं चला कि चल क्या रहा है। वो हैरी से पूछता है कि ऑफिसर के घर में तुम कर क्या रहे थे। हैरी कहता है कि वो ओल्ड हो चुका था, उसके लिए कभी कभी इन्वेस्टिगेशन का काम मैं करता रहता हूँ। हैरी सिर्फ घर में था तो इसी वजह से उसे वो अरेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर जाने देने वाले है। हैरी वेरना से पूछता है तुम्हारा बॉस मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहा था। वेरना कहती है मैक्सिको में जो भी हुआ ये सबको पता है। हैरी को जो मेल की वजह से बुलेट लगी थी ये भी मैक्सिको में ही लगी थी। हैरी को पुलिस लेकर गए तो इसी वजह से जैक ने उसे पिकअप करने के लिए रेमंड को भेजा था। रेमंड भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव हुआ करता था तो दोनों भी फ्रेंड्स है।
ये दोनों जैक के बारे में फिर बात करते हैं। रेमंड कहता है अपने दिनों में जैक एक प्लेबॉय था, उसे जो भी एक्ट्रेस चाहिए थी उसे पा लेता था। जब उसका कैथरीन के साथ अफेयर था तो उसके हस्बैंड को पता चला। उसी वीकेंड पर कैथरीन के हस्बैंड ने बहुत सारे पैसे लॉस्ट किए थे, शायद इस सब की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। हैरी जब घर पर आया तो जैक ऑलरेडी सोया हुआ था। वो कैथरीन से पूछता है क्या तुम उस पुलिस ऑफिसर को जानती थी। कैथरीन कहती है कि मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानती। हैरी को मालूम है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। वो उस पर शक ले रहा था तो कैथरीन कहती है कि अब तुम्हारा इस घर से जाने का वक्त आ चुका है। वैसे भी कैथरीन की बेटी मेल हैरी को हेट करती है। हैरी भी कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो बैग पैक कर रहा था तो कैथरीन फिर से उसके पास आई। वो उसे कहती है कि अब हमारे पास ज्यादा कुछ पैसे नहीं है, जैक की ट्रीटमेंट में बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। हैरी कहता है ये कोई सही रीजन नहीं है, एक्चुअल में मेरी सिचुएशन खराब है। हैरी के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। कैथरीन की सिगरेट नहीं जल रही थी। हैरी उसके पास गया और उसे किस कर लेता है। इन दोनों में पहले से ही अट्रैक्शन था तो एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट हो जाते हैं। बेड में बात कर रहे थे कि फर्स्ट टाइम एक दूसरे से कैसे मिले थे, तभी अचानक से जैक आवाजें करने लगता है। उसे ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी तो कैथरीन भागते भागते उसके पास गए, उसे हेल्प उसने की। जल्दी जल्दी में कैथरीन ने हैरी का ही शर्ट पहन लिया था। यह शर्ट जैक ने ही हैरी को गिफ्ट किया था तो इसी वजह से उसे पता चल गया कि कैथरीन और हैरी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। घर पर फिर हैरी को कॉल आया। ये कॉल उसी लेडी का है जिसको जैक ने पैसे देने के लिए कहा था। जहां पर हैरी गया और उसे डेड बॉडी मिली। इसका नाम ग्लोरिया है। ग्लोरिया हैरी से कहती है कि मुझे मेरा एनवेलोप नहीं मिला। उसे एक नई लोकेशन पर आने के लिए कहती है। जब वहां पहुंचा तो ग्लोरिया से वो पूछता है जिस लोकेशन में गया वहां मुझे डायरेक्टली डेड बॉडी मिली, इसे तुम एक्सप्लेन करो। ग्लोरिया इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाली थी। हैरी उसे पैकेज नहीं देने वाला। तभी ग्लोरिया ने गन निकाल ली। हैरी उससे गन छीन लेता है। तभी जेफ ने भी उस पर गन लगाए। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था जिस बॉयफ्रेंड के साथ मेल थी इसी का नाम जेफ है। मैक्सिको में जो भी इंसिडेंट हुआ था उस वजह से जेफ को जेल में डाल दिया गया था। अब वो वापस आ चुका है और जैक को ब्लैकमेल कर रहा था। अबे ब्लैकमेल किस वजह से वो कर रहा है यह हमें आगे पता चलेगा। जेफ हैरी को इंजोर कर उसे पैसों का इन्वेलप लेकर जाता है। हैरी पानी के पास बेहोश था तो मर सकता था। उसकी हेल्प करने के लिए उसका एक फ्रेंड वहां पहुंच गया। फ्रेंड का नाम है रूबन। रूबन भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। उसने हैरी को यहाँ आता हुआ देखा था। हैरी को होश आने के बाद रूबन उसे कहता है किस तरीके से उसने उसकी जान बचाई। हैरी कहता है अगर तुम मुझ पर नजर ही रख रहे थे तो जब वो लोग मुझे मार रहे थे तब तुम कहाँ थे। रूबन हैरी को देखकर एक्साइटेड है और हमेशा से उसके साथ वो काम करना चाहता था। वो उसे अपना कार्ड दे देता है। हैरी को चोट आई थी तो इसे फर्स्ट एड करने के लिए वो वेरना के पास आया। वेरना उसे पूछती है कि आजकल तुम कहाँ रहते हो। वो कहता है कि मैं कैथरीन और जेम्स के यहाँ रहता हूँ। वेरना कहती है कैथरीन के हस्बैंड ने तो सुसाइड कर ली थी। ये जो सुसाइड का केस था ये वही पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था जिसकी अभी अभी डेथ हुई है। इससे वेरना को शक जाता है कि जैक और कैथरीन इसमें इन्वॉल्व है। वो हैरी से कहती है अब तुम ओल्ड हो चुके हो, तुमने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। नेक्स्ट डे हैरी फिर अपने फ्रेंड रेमंड के पास उसकी हेल्प मांगने के लिए गया। उसे पूछता है कैथरीन के हस्बैंड की सुसाइड के बारे में तुम्हें क्या पता है। वो कहता है कि उसने सुसाइड कर ली थी, पुलिस को भी यही लगा था। पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया तो मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं, पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था ये हमेशा इस केस पर काम करता रहा। उसे लगा था कि कैथरीन ने ही अपने हस्बैंड को मारा। हैरी जब यहाँ से जा रहा था तो रेमंड उसे पूछता है मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना, क्या वो सच है। रेमंड उसे बताता है कि लोग कहते हैं कि मैक्सिको में तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर गोली लग गई थी। हैरी इस पर हंसने लग जाता है, इससे उसे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। उसे पता चला कि पुलिस स्टेशन में इसी वजह से उसे सब लोग सिंपैथी दिखा रहे थे। वो हंसते हंसते कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हैरी जैक के पास आया। हैरी उसे ग्लोरिया और जेफ के बारे में बता देता है। जैक कहता है इस केस में अब तुम ज्यादा इन्वेस्टिगेट मत करना। हैरी मानने नहीं वाला। ग्लोरिया को उसने जो इन्वेलप दिया था उसमें पैसे ही नहीं थे। वो फिर मेल के पास आया। कहता है कि जेफ अब टाउन में फिर से वापस आ चुका है, क्या वो तुमसे मिलने के लिए आया था। अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बता देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेल कहती कि हाँ मुझे मिलने के लिए वो आया हुआ था। उनके पास एक रिमोट हाउस है जहाँ की चाबी मेल ने उसे दे दी। हैरी फिर इस हाउस तक पहुंचा। जेफ यहाँ पर कुछ दिनों तक रहा था।
घर के बाहर बहुत सारी जगह पर उसे डिक किया हुआ मिलता है। हैरी जब कैथरीन के इस डिस्टिंग घर पर था तब वहाँ कैथरीन आई थी। एक जगह पर जाकर वो देख रही थी, उसे अब शक जाता है। कैथरीन ने उसे कहा था कि उनके पास अब पैसे नहीं है पर ये पूरी प्रॉपर्टी वो सेल कर सकते हैं। यहाँ पर डिक किया हुआ है, इसका मतलब है शायद कैथरीन ने अपने हस्बैंड को मार डाला था। यहाँ कहीं पर उसकी बॉडी हो सकती है पर जेव इस बॉडी को ढूंढ नहीं पाया। अब हैरी फिर से जाकर जेव से बात करने वाला है तो अपने बैकअप के लिए वो रूबन को कॉल कर लेता है। हैरी ने जाकर जेव को पैसे दे दिए, उसे वो बहुत मारता है और कहता है मुझे ग्लोरिया के पास लेकर चलो। उसने फिर ग्लोरिया को ऑफर दी, कहता है इसमें $10,000 है, ये जो भी सिचुएशन है इसे तुम दूर चली जाओ, किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली ग्लोरिया जेफ पर नजर रखने के लिए उसकी परोल ऑफिसर थी। जेफ को कैथरीन और उसके हस्बैंड के बारे में पता था तो इन्होंने प्लान किया कि उन्हें वो ब्लैकमेल करेंगे। इसी वजह से वो जैक से पैसे मांग रहे थे। इनकी बात चल ही रही थी तभी डोर पर नॉक आए। जेफ खोलने के लिए गया तो उसे शूट कर दिया गया, घर में ही छुप गया। पर ग्लोरिया को भी गोली लग गई थी। जिसने गोली मारी इसके पीछे भागने की कोशिश करता है पर उसे स्पॉट नहीं कर पाता। हैरी ने फिर वेरना को कॉल लगाया, ये सब सिचुएशन रिपोर्ट कर दिए। वेरना कहती है कि तुम बहुत ही इम्पोर्टेंट सस्पेक्ट बन चुके हो। हैरी उसे समझाता है इस सब सिचुएशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम दो। वेरना ने अगर उसे जाने दिया तो अपने खुद के करियर में उसे प्रॉब्लम आ सकता है पर फिर भी उसकी अच्छी फ्रेंड है तो उसे जाने देती है। हैरी जब कैथरीन के इस डिस्टिंग घर पर था तब वहाँ कैथरीन आई थी। एक जगह पर जाकर वो देख रही थी। हैरी को पता है कि वही डेड बॉडी होगी। वो फिर रात में रूबन के साथ वहाँ गया, उन्होंने डिग किया तो फाइनली वहाँ उन्हें स्केलेटन मिल गया। इसके बाद हैरी जैक के पास आता है, कहता है तुम और कैथरीन तुम दोनों में से किसी ने उसके हस्बैंड को मारा था, मुझे उसकी बॉडी मिल गई है। जैक कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था। जब कैथरीन के हस्बैंड को उसके और मेरे बारे में पता चला तो मुझे कन्फ्रंट करने के लिए उस हाउस में आया। उस रात वो बहुत ही ड्रंक था और स्विमिंग पूल के पास खड़ा था। स्विमिंग पूल में कुछ भी पानी नहीं था तो फिसल कर वो नीचे गिर गया। उसके सर से बहुत सारा खून बहा और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। हैरी उसे कहता है कि उसके सर में बुलेट होल थी, यानी कि वो जिंदा था, शायद तुमने उसे गन से मारा था। जैक कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हैरी पूछता है कि इसके बारे में किसी और को पता था और ये सिर्फ कैथरीन थी। तो पूरा शक कैथरीन पर है। जैक हैरी को कहता है मैं कैथरीन को कुछ भी होने नहीं दे सकता, प्लीज कुछ भी उल्टा सीधा करना मत। हैरी इसके बाद कैथरीन को कन्फ्रंट करने के लिए गया। वो कहता है क्या तुमने तुम्हारे हस्बैंड को मारा था? कैथरीन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हैरी मारने के लिए रेडी नहीं था तो कैथरीन सब चीजें फेंकने लग जाती है। कहती है मैं सिर्फ जैक की केयर करती हूँ पर मैं किसी को मार नहीं सकती। अब जो भी हुआ होगा ये हैरी ने फिगर आउट कर लिया है। वो डायरेक्टली उसके फ्रेंड रेमंड के पास आया। रेमंड से कहता है जब कैथरीन के हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उस एरिया में तुम ही एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थे। मैंने एक चीज नोटिस की, जिस पुलिस ऑफिसर की डेथ हुई उसका घर बहुत ही कबाड़ा था। मुझे पहले लग रहा था वही पुलिस ऑफिसर जैक और कैथरीन को फिर से ब्लैकमेल कर रहा है पर उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है सब चीजों का ख्याल रखने के लिए जैक ने तुम्हें कॉल किया, उसने तुम्हें बहुत सारे पैसे प्रॉमिस किए थे। तुम जब उसके घर पर पहुंचे तुम नोटिस किया कैथरीन का हस्बैंड अभी भी जिंदा है। अगर वो जिंदा बच जाता तुम्हारे सब कुछ पैसे चले जाते। तुमने फिर उसे मार डाला और वहीं पर गाड़ दिया। रेमंड कहता है कि ये सब सच है, उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कहता है कि जैक और कैथरीन जैसे अमीर लोग उन्हें जो चाहिए होता है वो पा लेते हैं। मैंने उनकी हेल्प की तो इसी वजह से मुझे इतना अच्छा घर मिला, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मिली। हैरी को एक कन्फेशन सुनकर बुरा लगता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें भागने के लिए 2 घंटे दूंगा, इसके बाद मैं वेरना को कॉल करूंगा। रेमंड कहता है ये सब चीजें मैं छोड़ नहीं सकता, अब भाग नहीं सकता। हैरी को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगा। अब हैरी जब यहाँ से जा रहा था तो रेमंड उस पर गोली चलाता है। अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हैरी ने उसे मार डाला। जो भी हुआ ये सब बात हैरी आकर जैक को बता देता है। हैरी जैक को कोई भी प्रॉब्लम आए इस तरह से पुलिस को कुछ भी बताएगा नहीं, अपने फ्रेंड को और कैथरीन को प्रोटेक्ट करने वाला है। हैरी ने पूरी चीजें पुलिस को बता दी और वेरना कहती है मुझे नहीं लगता कि तुमने सब कुछ सही कहा है। पुलिस स्टेशन में आने से पहले हैरी कैथरीन के पास गया था। उसने उससे कहा मुझे मालूम है ये जो भी किया था ये सब कुछ तुमने ही किया था। जब तुम्हें पता चला ये पुलिस ऑफिसर जेफ और ग्लोरिया के साथ काम कर रहा है तुमने रेमंड को कॉन्ट्रैक्ट दिया इन सब को मारने के लिए। कैथरीन भी ये सब एडमिट कर लेती है। हैरी कैथरीन से प्यार करता है
उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। अपना सब स्टेटमेंट देकर हैरी जब पुलिस स्टेशन से बाहर आया तो उसके साथ वेरना थे। वेरना ने हैरी को हेल्प की तो थोड़े दिनों के लिए उसे सस्पेंड कर दिया गया है। हैरी कहता है, तुम मेरे साथ वैकेशन पर चल सकते हो। वेरना उसे पूछती है, क्या तुम्हारा प्राइवेट पार्ट ठीक है? हैरी कहता है कि सब कुछ ठीक है। और इसी फनी सीन के बाद इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।